भारत के सबसे बड़े रक्षा साझेदार रूस ने एक बार फिर से चीन नहीं बल्कि भारत के साथ अपनी दोस्ती की आवश्यकताओं पर बल दिया है। रूस को चीन का साझेदार माना जाता है, लेकिन रूस ने पिछले कुछ समय में यह साबित कर दिया है कि वह चीन नहीं बल्कि भारत के साथ खड़ा है। रूस के एक्सपर्ट्स भी यही सुझाव दे रहे हैं, तो वहीं रूस ने भी भारत की रक्षा जरूरतों को बुलेट स्पीड से पूरी कर यह संकेत दिया है। रिपोर्ट के अनुसार रूसी विदेश नीति और रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञों ने कहा है कि मॉस्को अगर चीन के साथ एक संभावित सैन्य गठबंधन बनाता है तो यह उसके लिए खतरनाक साबित होगा और यह भारत के साथ पारंपरिक साझेदारी पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में अनुमान लगाया था कि मॉस्को और चीन के बीच एक सैन्य गठबंधन संभव है। हालांकि सामान्य तौर पर दोनों पक्षों को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कार्नेगी मॉस्को सेंटर के निदेशक डिमिट्री ट्रेनिन के अनुसार चीन के साथ औपचारिक सैन्य गठबंधन पर हस्ताक्षर करना रूस के लिए अव्यवहारिक होगा। यह रूस के हाथों को बांध देगा। रूस के अन्य पारंपरिक सहयोगियों को विशेष रूप से अमेरिका के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य करेगा। अब अमेरिका के खिलाफ चीन के साथ एक औपचारिक सैन्य गठबंधन करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के गठबंधन से रूस के हाथ बन जाएंगे, जिसे भारत सहित उसके पड़ोसी जो आज रूस के साथ दिखाई देते हैं वो उसके साथ साझेदारी छोड़ अमेरिका के साथ सहयोग करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ट्रेनिंग के अनुसार रूस और चीन का सैन्य गठबंधन केवल तभी संभव होगा जब अमेरिका एक ही समय में दोनों देशों पर हमला कर दे। विशेषज्ञों द्वारा इस तरह से भारत की तरफदारी से एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि रूस चीन के लिए भारत के खिलाफ जाने से पहले हजार बार सोचेगा, क्योंकि भारत और रूस की दोस्ती ऐतिहासिक रही है। भारत और रूस दशकों से रक्षा संबंधी साझेदारी को साझा करते आए हैं, जो न केवल हथियारों की लेन देन करते हैं बल्कि ब्रह्मोस मिसाइलों का संयुक्त उत्पादन भी करते हैं। वर्तमान में रूस भारत की रक्षा जरूरतों को 60-70% पूरा करता है। रूस ने कई बार दिखाया है कि वह चीन को अब उतना महत्व नहीं देता जितना वह भारत को देता है। जून में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मॉस्को यात्रा के दौरान रूस को रक्षा आवश्यकता की लिस्ट सौंपी गई थी। वियॉन की रिपोर्ट के अनुसार जून के महीने में सौंपी गई भारत की रक्षा उपकरण सूची से संबंधित आवश्यकताओं को रूस ने पूरा कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो रूस ने चीन को S-400 की सप्लाई भी रोक दी है। लेकिन रूस ने भारत को आश्वस्त किया है कि कोरोना के बावजूद भारत को S-400 पहले से तय समय पर ही दिए जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार चीन के साथ सीमा विवाद और गलवान घाटी में भारतीय सेना पर हमले के बाद भारत ने जिन उपकरणों का ऑर्डर दिया था उनमें लाइट मशीन गन, प्रोजेक्टाइल और बम भी थे। हालांकि रूस से खरीदे जाने वाले MiG-21 को लेकर कोई जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। जुलाई में नई दिल्ली में 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI विमानों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। हालांकि शिपमेंट की स्थिति अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन मार्च 2021 तक इन हथियारों के आ जाने की उम्मीद है। भारत और रूस के मजबूत संबंधों का एक महत्वपूर्ण कारण रक्षा भी रहा है। अब हर मुद्दे पर चीन को समर्थन देने वाला रूस भारत के मामलों में खुलकर चीन का विरोध कर रहा है और वह भारत की भाषा बोल रहा है। इसके साथ ही भारत को हथियार की आपूर्ति करने में भी तेजी दिखा रहा है। अब चीन को यह समझ लेना चाहिए कि उसका यह कम्युनिस्ट देश भी उसका साथ छोड़ चुका है और अब उसे कोई बचाने वाला नहीं है।